वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनसे हम सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बना सकते हैं, ओनली हम एल्डिहाइड्स को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे मेथड्स देखे थे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, बट आज हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनसे हम केवल और केवल एल्डिहाइड्स को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए, दैट इज द मेथड्स of preparations of aldehydes only, सिर्फ aldehyde को बनाने के कुछ methods, जिसमें सबसे पहला method हमारे पास रहेगा Rosenmund reaction। Rosenmund reduction भी बोलते हैं इसे, Rosenmund आप reaction भी बोल सकते हैं। So our first reaction, Rosenmund रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन में देखिए, जब हम किसी एसिड हैलाइड व्हाट इज एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, अगर हम हैलोजन से ट्रीट कर दें उसे, देखिए मैं ये से बोल सकता हूं, देखिए दिस इज आर सी ओ सी एल, दिस इज नोन एज एसिड क्लोराइड। अगर हम एसिड क्लोराइड को ट्रीट कर दें हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट विद बेरियम सल्फेट एंड सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ जाइलीन, then the product is this aldehyde. This is the product aldehyde. This is acid chloride. Acid chloride है ये, acid का derivative है. So अगर हम किसी एसिड हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, और यहां पर बेरियम सल्फेट भी डाला गया है, उसके साथ सल्फर भी डाला गया है, एंड जाइलीन इज वर्किंग एज ए सॉल्वेंट, तो जो प्रोडक्ट होगा हमारा यहां पर प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड। देखिए नॉर्मली अगर हम एक बात है यहां पर कि रिडक्शन, हमने अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में भी ये बात पढ़ी थी कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें तो जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और सपोज करिए अगर हम इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को एक्सेस में ले लें तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी हो सकती है कि एल्डिहाइड चेंज हो जाए प्राइमरी अल्कोहल में, बट क्योंकि हमें फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, हम इसके लिए इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट और सल्फर का यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट विद सल्फर ये एक पॉइजन का काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज ए पॉइजन, ये इस रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं। देखिए आपने कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, what are the catalyst, catalyst are those substances which can alter the rate of reaction, jo kisi reaction ki speed ko kam ya zyada kar de, agar wo reaction ki speed ko zyada kar deta hai, badha deta hai rate ko, to hum use catalyst bolte hain, promoters bolte hain, aur agar wo us reaction ki speed ko kam kar de to hum use poison bolte hain, poison।
सो इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए पॉइजन का काम करता है बेरियम सल्फेट और सल्फर. और सपोज करिए अगर हम यहां पर बेरियम सल्फेट और सल्फर ना डालें तो रिएक्शन अल्डिहाइड पर रुकेगी नहीं, ये अल्कोहल पर चली जाएगी. अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑफ दिस रिएक्शन. सो अगर हम एसिड डेरिवेटिव से, अगर हमें एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हम हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करेंगे, हम उसे रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद पॉइजन बेरियम सल्फेट एंड सल्फर इन ज़ाइलीन. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर ओनली एंड ओनली अल्डिहाइड एंड द मेथड इज नोन एज रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन. Now, the second method देखिए हमारे पास क्या है. सेकेंड मैथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स. From nitriles and esters कि हमें aldehyde बनाना है from nitriles या ester, तो हम किस तरह से बना सकते हैं. देखिए suppose करिए हमारे पास nitrile है, this is esto nitrile, और अगर हम इसे treat कर दें SnCl2, this is stannous chloride. Stannous chloride के साथ treat कर दें in presence of excess of HCl. First case and then हम water डाल दें, boiling water. The product is aldehyde. तो जो हमारे पास product होगा वो अल्डिहाइड होगा और एक हमारे पास बाई प्रोडक्ट आ जाएगा एंड द बाई प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड. आखिर किस तरह से ये रिएक्शन होगी, देखिए सबसे पहले दिस स्टेनस क्लोराइड रिएक्शन करेगा HCl के साथ और प्रोडक्ट बनेगा स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 और वहां से दो नेसेंट हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. देखिए नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं यूज भी होंगे और जहां हाइड्रोजन ऐड हो जाता है हम उसे रिडक्शन बोलते हैं. नाउ दिस हाइड्रोजन विल अटैक ऑन द नाइट्राइल, नाइट्राइल के ऊपर अटैक करेगा. दिस इज द जर्नल रिएक्शन, मैं एक जर्नल रिएक्शन से लिख रहा हूं इसे. टू मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन और क्योंकि हमने HCl एसिड को एक्सेस में लिया हुआ है तो HCl एसिड यहां रहेगा एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज दिस. एंड दिस इज नोन एज इमीन साल्ट, इमीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं हम इसे और इमीन साल्ट भी हम इसे बोल सकते हैं. और ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इमीन साल्ट, अगर हम इस इमीन की हाइड्रोलिसिस कर दें द प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट होगा. और इस रिएक्शन को हम नेम से जानते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन. आई एम गोइंग टू राइट द नेम हियर, दिस इज द स्टीफन रिएक्शन. सो व्हाट हैपेंस,
देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई भी नाइट्राइल है, हम उसकी रिएक्शन करेंगे पहले स्टेप में स्टेनस क्लोराइड के साथ इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सेकंड स्टेप में हम बॉइलिंग वाटर का यूज करके हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड 2 moles हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेनिक क्लोराइड एंड 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन विल जनरेट। देन नेसेंट हाइड्रोजन अटैक करेगा नाइट्राइल के ऊपर, नाइट्राइल के ऊपर अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर डबल बॉन्ड NH आ जाए तो हम उसे इमीन बोलते हैं, दिस इज इमीन साल्ट, और ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इमीन साल्ट बाय बॉइलिंग वाटर द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। और अगर हम इसी रिएक्शन को एस्टर के लिए बोलें, देखिए हमने जो मेथड लिखा है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, तो अगर हम इसी रिएक्शन को अगर हम एस्टर के साथ करें तो सेम, बिल्कुल सेम मेथड लगेगा यहां पर, सेम प्रोसीजर होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल होगा। देखिए किस तरह से अगर हम एस्टर के साथ इस रिएक्शन को लिखें, अगर हम इसी रिएक्शन को एस्टर के साथ लिखें तो देखिए ये है मेरे पास एस्टर, मैं दोनों स्टेप को इकट्ठा लिख देता हूं, दिस 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट इट इज बॉइलिंग water which is used in hydrolysis so our product is aldehyde and alcohol। so agar hame nitrile ko aur ester ko convert karna hai aldehyde mein to hum is method ka use kar sakte hain। बट इस मेथड की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, देखिए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है हमारे पास देखिए क्या है, इफ देयर इज एनी अनसैचुरेशन इन द गिवन नाइट्राइल और एस्टर, अगर उस कंपाउंड में नाइट्राइल ग्रुप के साथ कोई और अनसैचुरेटेड ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के साथ इसे लिखूं तो देखिए, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है कि मेरे पास कंपाउंड में नाइट्राइल ग्रुप है साथ में एक डबल बॉन्ड भी पड़ा है, और अगर मैं इसी रिएक्शन को करूं, स्टीफन रिएक्शन को मैं यहां पर अप्लाई करूं, स्टीफन रिएक्शन, तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज दिस, जो डबल बॉन्ड हमारे पास रिएक्टेंट में था वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो दिस स्टीफन रिएक्शन हैज ए लिमिटेशन दैट इफ देयर इज एनी अनसैचुरेटेड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन दैट अनसैचुरेटेड ग्रुप इज आल्सो रिड्यूस्ड। बट सपोज करिए कि हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना, देखिए इस तरह से कि जो प्रोडक्ट बने उसमें डबल बॉन्ड
वैसे का वैसा हो तो हम किस रिएक्शन को अप्लाई करेंगे? देखिए, तो हमारे पास एक स्पेशल रिएजेंट होता है एंड दैट रिएजेंट इज नोन एज DIBAL-H। पहले स्टेप में हम DIBAL-H का यूज करेंगे और सेकंड स्टेप में हम वाटर का। एंड व्हाट इज DIBAL-H? देखिए, मैं यहां से दोबारा लिखता हूं इसे। DIBAL-H क्या होता है? दिस इज नोन एज डाई आइसोब्यूटाइल। DIBAL, जिसमें डी डाई, आई आइसो, बी ब्यूटाइल एंड दिस ए एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम एंड लास्ट में जो एच है वो होता है फॉर द हाइड्राइड। सो इट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है, बट इट इज माइल्ड। ये क्या होता है? एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर हम इसका मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूं विद एस्टर। अगर हम किसी एस्टर को कन्वर्ट करना हो, हमें अनसैचुरेटेड एस्टर को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी एल्डिहाइड में, तो हम इस रिएक्शन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, दिस और मेरे पास जो रिएजेंट है दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, देखिए क्या होगा, दिस ये मेरे पास है रिएजेंट डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए, यहां पर एल्यूमिनियम के पास तीन बॉन्ड है, मींस 6 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। इट्स मींस दिस DIBAL-H वर्किंग एज ए ल्यूइस एसिड, ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दिस विल ऑब्टेन लाइक दिस। सो हमारे पास उस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा जो कंपाउंड में पड़ा है। Now, अगर हम इसे वाटर के साथ ट्रीट कर दें, इफ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस विद वाटर, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज दिस। जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, मीन्स कि यहां पर हम DIBAL-H इस रिएजेंट का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कंपाउंड के अंदर अगर कहीं अनसैचुरेशन है तो उस अनसैचुरेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए।
बट अगर हम इसकी जगह पे स्टीफन रिएक्शन का यूज करते हैं तो स्टीफन रिएक्शन का यूज हम जब भी करेंगे तो वो नाइट्राइल को या एस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट जरूर करेगा, बट अगर उस कंपाउंड में कहीं अनसैचुरेशन है तो वो अनसैचुरेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो अगर हमें अनसैचुरेशन को रखना है देन वी हैव टू यूज DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और अगर हमें अनसैचुरेशन की जरूरत नहीं है तो हम स्टीफन रिएक्शन को भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द सेकेंड मेथड. नाउ द थर्ड मेथड, अल्डिहाइड बनाने का हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो देखिए, द थर्ड मेथड इज फ्रॉम अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स. फ्रॉम अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स, हम अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन से अल्डिहाइड किस तरह बना सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक नेम रिएक्शन है दैट इज इनफ इटार्ड रिएक्शन. दिस इज द इटार्ड रिएक्शन. और क्या होती है इटार्ड रिएक्शन देखिए, जब टोलविन की रिएक्शन हम करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो सोलवेंट का काम करता है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है दैट इज और ब्राउन कलर का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज द ब्राउन कॉम्प्लेक्स. और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसे वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज अल्डिहाइड. दिस सो दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन. अगर हम टोलविन की किसी भी अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने टोलविन को एग्जांपल ले लिया, अगर हम टोलविन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं दैट इज CrO2Cl2, तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्राउन कलर का क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आता है, और उस कॉम्प्लेक्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें देन द प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड. दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन. सिमिलरली हम एक और तरीके से यहां एल्डिहाइड बना सकते हैं, और देखिए वो क्या होगा, दैट इज नोन एज साइड चेन हैलोजिनेशन मेथड. साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन. देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम टोलविन की रिएक्शन कर दें क्लोरीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अप्रोक्सीमेट हम टेम्परेचर देंगे 380 केल्विन का, देन देयर इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होगा जहां हम Cl2 गैस को एक्सेस में लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट इज
बेंजल क्लोराइड, प्रोडक्ट इज बेंजल क्लोराइड। और अगर हम बेंजल क्लोराइड को ट्रीट कर दें बेस के साथ एक्सेस ऑफ बेस, टू मोल्स ऑफ NaOH के साथ अगर हम इसे ट्रीट कर दें, देन द Cl2, ये जो Cl और Cl ग्रुप है ये बाहर चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ साल्ट टू NaCl, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो जैम डाइओल आ जाएगा, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप। सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज दिस। एंड दिस इज नॉट स्टेबल, एक ही कार्बन के ऊपर कभी दो OH ग्रुप नहीं आ सकते। अगर हम वहां स्लाइट हीट भी कर दें देन dehydration will occur, water will remove out and the product is aldehyde. So this is also the method of preparation of aldehyde from aromatic hydrocarbons. Toluene की अगर हम side chain halogenation कर दें with chlorine, जिसे हमने excess में लिया था, free radical mechanism हो जाएगा, और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजल क्लोराइड। अगर हम उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दें एक्वस मीडियम, देन द प्रोडक्ट इज डाइओल, जैम डाइओल, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH, जो स्टेबल बहुत कम होते हैं और ना के बराबर स्टेबल होते हैं। अगर हम वहां हीट कर दें तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी वहां से बाहर जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज aldehyde. So this is also a method of preparation of aldehydes from aromatic hydrocarbons. इसके बाद हमारे पास एक और method होता है, that is Gutterman-Koch method. So the fourth method is Gutterman Gutterman-Koch formylation. This method is known as Gutterman-Koch formylation. और ये क्या होगा, देखिए इस method में सबसे पहले क्या किया किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड प्रोडक्ट इज दिस। HCOCl. नाउ हम इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे बेंजीन रिंग के साथ, एक बेंजीन एक aromatic hydrocarbon के साथ in presence of Lewis acid, AlCl3, and the reaction is known as Friedel-Crafts acylation. The product is this aldehyde प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल रिमूव आउट। क्या होगा Gutterman-Koch रिएक्शन में, फॉर्माइलेशन रिएक्शन में, इसे हम Gutterman-Koch फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ द प्रोडक्ट इज फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। जब हम फॉर्माइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड AlCl3, रिएक्शन होगी हमारे पास Friedel-Crafts acylation, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज नोन एज बेंजल डिहाइड, क्योंकि हम इसमें फॉर्मल डिहाइड एक
HCO ग्रुप का यूज कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड से ये चीज बनाई जा रही है। अगर हम बात करें दिस फॉर्माइल क्लोराइड, ये फॉर्माइल क्लोराइड बनता है फॉर्मिक एसिड से, सो दिस इज नोन एज फॉर्माइलेशन। सो ये भी हमारे पास एक मेथड होता है एल्डिहाइड बनाने का फ्रॉम बेंजीन रिंग, सिर्फ एरोमेटिक ग्रुप से अगर हमें बनाना हो एल्डिहाइड तो हम गेटरमैन कोच रिएक्शन से भी बना सकते हैं। एंड लास्ट मेथड है हमारे पास मेथड नंबर 5 कि हमें एल्डिहाइड बनाना है, किस तरह से बनाएंगे हम फ्रॉम फिनोल। अगर हमें फिनोल दे दिया जाए, इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज फिनोल, तो हम किस तरह से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। इस रिएक्शन का नाम है रिमर टीमन रिएक्शन और से राइमर टीमन रिएक्शन। हमने ये रिएक्शन फिनोल के केस में पढ़ी थी। क्या होती है, अगर हम फिनोल की रिएक्शन कर दें क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जिसे हमने एक्सेस में ले लिया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में अगर हम इसकी रिएक्शन HCl एसिड के साथ कर दें, देन द प्रोडक्ट इज सैलिसिलडिहाइड प्रोडक्ट होगा, जिसका IUPAC नेम होगा 2-hydroxybenzaldehyde या ortho-hydroxybenzaldehyde भी हम इसे बोलेंगे। सो दिस इज ए न्यू मेथड टू फॉर्म एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। इसका मैकेनिज्म हमने अल्कोहल फिनोल के जो चैप्टर में हमने इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, सो यू मस्ट रेफर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स for the mechanism of this Reimer-Tiemann reaction. So, आज की इस वीडियो में हमने 5 मेथड पढ़े हैं जिसमें हम एल्डिहाइड ही बनाते हैं। So, आज का ये जो टॉपिक था हमारा डिस्कशन का, इसमें हमने केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने सीखे कि how we can prepare एल्डिहाइड। अगर हमारे पास स्टार्टिंग रिएजेंट, स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है, अगर वो कुछ और हो, किसी भी तरह का हो, तो हम वहां से एल्डिहाइड को किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एसिड हैलाइड हो, इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज एसिड हैलाइड विच इज ए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम वहां से एल्डिहाइड किस तरह बनाते हैं। हम उसे रिडक्शन करते हैं उसका विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद पॉइजन बेरियम सल्फेट एंड सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलीन एज ए सॉल्वेंट। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड। उसके बाद हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा, दैट इज नोन एज ए स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है कि अगर हमें नाइट्राइल या एस्टर को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो हम क्या करते हैं, स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, नेसेंट हाइड्रोजन अटैक करेगा एस्टर ग्रुप के ऊपर और नाइट्राइल ग्रुप के ऊपर, और फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। उसके बाद हमने एक नया रिएजेंट पढ़ा था जो इसी रिएक्शन को कर सकता था, दैट इज DIBAL-H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो भी इसी काम को ही करेगा, बट अनसैचुरेशन को कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। देर इज नो इफेक्ट ऑन द अनसैचुरेशन इफ प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन DIBAL-H, दिस रिएजेंट डज नॉट अफेक्ट द अनसैचुरेशन
and the nitrile, unsaturated nitrile or unsaturated ester will convert into unsaturated aldehyde. This is the second method जो आज हमने पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा from aromatic hydrocarbons, जैसे कि toluene. हमने toluene को अगर हमें aldehyde में convert करना है तो हम कैसे करेंगे? The reaction is known as Retard reaction. हम toluene की reaction कर देंगे with chromyl chloride CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide as a solvent. CS2 को हमने solvent मान लिया. सबसे पहले हमारे पास एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका कलर ब्राउन होता है. उसके बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे एंड द प्रोडक्ट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड. सो टोलविन से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम इटार्ड रिएक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम साइड चेन हैलोजिनेशन कर दें, कि टोलविन को अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से उसको क्लोरो डेरिवेटिव में चेंज कर दें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, टोलविन की रिएक्शन की हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. टेम्परेचर लगभग 380 केल्विन के आसपास का था. तो जो प्रोडक्ट बना दैट इज बेंजल क्लोराइड. बेंजल क्लोराइड फिर हम उसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम. तो हमारे पास जैम डाइओल आ गया. एक ही कार्बन के ऊपर दो एच ग्रुप स्टेबल नहीं होते. There is a dehydration occurs and the product will automatically change into aldehyde. उसके बाद हमने पढ़ा Gutterman-Koch reaction, Gutterman-Koch formylation, कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दें, the product is formyl chloride. और अगर हम formyl chloride को ट्रीट कर दें बेंजीन के साथ in presence of any Lewis acid, the reaction is known as Friedel-Crafts acylation, which follow the mechanism electrophilic substitution, and the product is aldehyde. और last में हमने जो reaction पढ़ी aldehyde बनाने के लिए, that is Riemer-Tiemann reaction, जिसमें हम अगर phenol ने starting material phenol को treat करें हम chloroform के साथ in excess of base sodium hydroxide, then the product obtained is salicylaldehyde. So ये कुछ methods थे जिसमें हम केवल और केवल aldehyde ही बना सकते हैं. हमने इन पांच method में से एक भी ऐसा method नहीं पढ़ा जिसमें हम ketone बनाते हों. So ये methods थे only for the aldehydes. और next video में हम पढ़ेंगे methods of preparations of ketones only. सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाना सीखेंगे. थैंक यू.